ओके गुड मॉर्निंग, बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच मुझे आज बैठ के। मैं हूँ मेजर जनरल संजीव डोगरा रिटायर्ड। मैंने आर्म फोर्सेस में 37 साल सर्विस की है और मेरे साथ बैठे हुए मेरे फादर मिस्टर डीएन डोगरा जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट थे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। इनका 30 साल का एक्सपीरियंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का है और 30 साल का एक्सपीरियंस गाइडेंस और कोचिंग का है। तो आप देख सकते हैं टोटल मिला के हम दोनों का लगभग 100 साल का एक्सपीरियंस है। तो पहली बात तो यह है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू और कश्मीर के स्टेट का और यहाँ के लोगों का। जो भी हम जिस भी मुकाम पे आज पहुँचे हैं वो जम्मू और कश्मीर स्टेट की वजह से ही पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है आर्म फोर्सेस में और आम सोसाइटी में भी कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चे जब आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो एज सिपाही या एज रैंक्स में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर राइफ़ल्स को ज्वाइन कर रहे हों, जम्मू और कश्मीर जैक लाइट इन्फेंट्री को ज्वाइन कर रहे हों, पंजाब रेजिमेंट को ज्वाइन कर रहे हों, डोगरा रेजिमेंट को ज्वाइन कर रहे हों, मगर एज ऑफिसर्स हमारे बच्चों की रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि यहाँ के बच्चों में अवेयरनेस थोड़ी कम हो और दूसरा रीज़न हो सकता है कि यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी यानी कि गाइडेंस और कोचिंग थोड़ी कम मिल रही हो। तो अवेयरनेस बढ़ाने का काम तो हम जैसे आज कर ही रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस आर्म फोर्सेज में वेरियस एंट्रीज़ के थ्रू बच्चे हमारे जो बहुत ही कैपेबल हैं, यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो एज ऑफिसर्स एनडीए और सीडीएस आईएमए ओटीए टेक्निकल एंट्री स्कीम इनके थ्रू आर्म फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोला है। हमने देखा है जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता होता है आर्म फोर्सेस के बारे में वो बच्चे चंडीगढ़ और दिल्ली और दूसरे शहरों में कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, जो बहुत ही कॉस्टली भी होता है, उस कोचिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी भी नहीं होती और उस कोचिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हमने सोचा है कि बहुत हाई क्वालिटी की कोचिंग और गाइडेंस अपॉर्चुनिटी यहाँ के बच्चों के लिए दी जाए डोगरा एसएसबी कोचिंग के थ्रू, जो 10 अक्टूबर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है मेरे फादर का और मेरा एक्सपीरियंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में और आर्म फोर्सेज में, इस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हम बहुत ही अच्छे और सीखे हुए एक यूनिक मेथड से बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करके उनको अच्छा ह्यूमन बींग बनाएंगे, ताकि वो आर्म फोर्सेज में ही नहीं ज़िंदगी के हर एक वॉक में हर एक पहलू में वो सक्सेसफुल और कामयाब हों, चाहे वो आर्म फोर्सेज में काम कर रहे हों चाहे कहीं और काम कर रहे हों। हमारा मकसद ये है कि आर्म फोर्सेज के बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर्स, वो तो हमारे पास आए ही, इसके अलावा जो आम नागरिक हैं जो चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो, वो अपने पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अच्छा करना चाहते हैं, वो भी हमारे पास आएँ, हमारे 15 दिन का कोर्स अटेंड करें, उनकी पर्सनैलिटी में पक्का 100% बदलाव आएगा और वो अच्छे नागरिक, अच्छे शहरी, अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ, अच्छे पेरेंट, अच्छे बच्चे बन के यहाँ से हमारी कोचिंग सेंटर से। अजी ट्रेनिंग आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए दो तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करने के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है, उस रिटन एग्ज़ाम को पास करने की ट्रेनिंग होती है, वो हमने 30 डेज और 45 डेज के दो कोर्स रखे हैं। और दूसरी ट्रेनिंग होती है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस करने की ट्रेनिंग, वो हमने 15 डेज की ट्रेनिंग रखी है। ये जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस करने की ट्रेनिंग है, ये बहुत ही टेक्निकल टाइप की ट्रेनिंग है, इसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर होता है और वो हमारे पास है। जो चार्जेस हैं वो हमने, जो हमारा कोर्स है एसएसबी कोचिंग का, वो 20,000 रुपीज़ उसके चार्जेस रखे हैं, मगर जो बच्चे जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं और जो बच्चे आर्म फोर्सेस वालों के बच्चे हैं उनको हम डिस्काउंट देंगे।